और साहब कितने अच्छे लगते हैं ग्रीन सारी सब्जियाँ। तीन चार दिन यहाँ पे पतले पतले वाले बैगन मिलते हैं, दो थैली लेकर के आए। बजने वाले हैं और अभी जस्ट मैं आई हूँ मार्केट से, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी थी और फ्रूट्स भी नहीं थे, तो मैं गई थी वॉक पे भी और सब्जियाँ भी लेकर के आ चुकी हूँ। तो वही सारी चीज़ें निकाल रही हूँ और ठंड यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो आज फर्स्ट टाइम मैं स्टॉल भी लेकर के गई थी, नहीं तो ऐसे ही निकल जाती थी। लेकिन थोड़ी सी ठंड आ चुकी है क्योंकि तीन चार दिन यहाँ पे जो है लगातार बारिश होती ही रही है, तीन चार दिनों तक एकदम कंटिन्यू। और आज तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कुहासे भी थे यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे ठंड जो है वो लगभग में अब आ चुकी है, तो सभी के स्वेटर जैकेट्स वगैरह भी निकल चुके हैं और ठंड की सब्जियाँ भी मार्केट में आ गई हैं। साग तो इतने ज़्यादा हैं अभी मार्केट में कि क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा तो सरसों वाले साग और मेथी, ये दोनों बहुत ज़्यादा, और साथ में पालक भी। और यहाँ पर तो वो गोल वाले बैगन जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं, इस तरह के ही बैगन मिलते हैं यहाँ पे, इस तरह के भी पहली ही बार मिले हैं, नहीं तो पतले पतले वाले बैगन मिलते हैं, ब्लू और ग्रीन दोनों मिल जाते हैं, लेकिन वो भंटा जो बैगन होता है जिसका चोखा बहुत अच्छा बनता है वो नहीं मिल पाता है। तो बस इसी से इस बार काम चलाना पड़ेगा, देखती हूँ इसी का चोखा बना करके कैसा बनता है। और सब्जियों में नेनुआ, झींगी और साग और एक छोटा सा ओल, तो बस यही है सब्जियाँ, और थोड़े से मिर्ची और नींबू, तो इतनी ही चीज़ें हैं। तो सारी सब्जियाँ वगैरह मैंने निकाल ली हैं और अभी जाऊंगी तो थोड़ा बहुत मूंगफली लेकर के आए हैं हम लोग, गर्मा गर्म वहाँ पे भून रहा था तो ये मूंगफली लेकर के आए हैं, तो अभी इसे हम लोग खाएँगे और फिर खाना वाना बनाऊँगी। तो मिलती तो देखिए, इसमें मैंने नेनुआ, झींगी, बैंगन, ओल सारी सब्जियां रख दी हैं और उसमें सारे साग मैंने रख दिए हैं, और साग कितने अच्छे लगते हैं ग्रीन ग्रीन। और ये मेथी भी बहुत अच्छी है, एकदम सूखी सूखी वाली, साथ में है पालक और धनिया पत्ती। और ये रहे मिर्च और नींबू। और मैं यहाँ पे आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ इस मिक्सर जार में हाफ हाफ क्वांटिटी में उड़द दाल और मूंग दाल। आप चाहें तो दोनों दाल में से कोई एक दाल भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे चने की दाल भी ले सकते हैं। और इस दाल में मैंने ऐड किया है कुछ कलियाँ लहसुन की है और थोड़े से अदरक हैं, साथ में बहुत ही थोड़ा सा जीरा और साथ में कुछ दाने काली मिर्च के और दो से तीन हरी मिर्च, और इन सबको बिल्कुल दरदरा पीस देना है। और आप जितना कोशिश करें इसमें पानी ना ही ऐड करें, लेकिन अगर पानी के बिना नहीं पीस पा रहा है तो बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल करके इसको दरदरा पीस लें। तो मैंने यहाँ पे इसे दरदरा पीस लिया है और मैं इसे अब एक कटोरी में निकाल ले रही हूँ।
और अब इस पिसी हुई दाल में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जितना दाल आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती, तो यहाँ पे है ये सूजी, और सूजी को मैंने थोड़े से गुनगुने पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, गुनगुना से हल्का सा ज़्यादा, उसी पानी में मैंने इसे गूंद लिया है। और आप चाहें तो यहाँ पे चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए आज पहली बार ही मैं बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। और अभी इसकी मैं दो लोइयाँ बराबर बराबर कर लूँगी और दो रोटियाँ बेल करके रख लूँगी। तो यहाँ पे बहुत ही एक अलग सी एक रेसिपी मैं ट्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि चावल का पीठा तो हम लोग बनाते ही हैं और सूजी का भी पीठा बनाते हैं, लेकिन उसी पीठे को थोड़ा सा एक अलग सा रूप दे रही हूँ। तो देख सकते हैं कि पहले मैंने सूजी के आटे से दो रोटियाँ बेल करके तैयार कर ली, और आप चाहें तो यहाँ पर रोटी की जो मोटाई है उसे थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं। और यहाँ पे उस रोटी पे मैंने दाल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया और उसके बाद मैंने इसका रोल बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने दो रोटियाँ बनाई थी, तो यहाँ पे दो रोल बन कर के तैयार हुए हैं। और इधर मैंने पानी भी गर्म कर लिया है और इसके नीचे मैंने स्टैंड रखा, और अब यहाँ पर जो केक टिन है मेरे पास उसी में मैंने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लिया है और उसी में मैं इसे अब कुक करूँगी, यानी कि स्टीम करूँगी भाप में। और दोनों रोल को केक टिन में रखने के बाद मैंने ऊपर से कवर कर दिया है और यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो करके रख रही हूँ, और इसे लगभग मैंने 10 से 15 मिनट के लिए कुक किया है। और अब उसे मैं चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और अब ये थोड़े से ठंडे हो गए, बहुत ज़्यादा ठंडा इसे नहीं करना है। और 50% ठंडा होने के बाद मैं इसे टुकड़ों में कट कर रही हूँ, और आप चाहें तो इसके टुकड़े थोड़े से बड़े या फिर थोड़े से छोटे, जैसे भी आपकी इच्छा हो रख सकते हैं। और उसके बाद हम इसे करेंगे डीप फ्राई, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर हल्का सा सौते करके भी खा सकते हैं, राई वगैरह का तड़का लगा करके, आपकी जैसी भी इच्छा हो, आप इसे पसंद करते हैं जैसे भी उसे खा सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे इसे डीप फ्राई कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा से स्नैक्स बनके तैयार हो रहा है। और फ्राई करने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऑब्जर्व होने वाला है, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी कुक हैं, तो बहुत ही हल्के से तेल में ये बन करके तैयार होने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी ये स्नैक बना था, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और फ्राई होने के बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये सूजी के बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये मैदे का बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल डीप फ्राई किया है, और आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब कभी भी मन हुआ तो इसे फ्राई करने के बाद खा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आप इसे बना करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ रेड केचप के साथ और साथ ही साथ ग्रीन चिली सॉस के साथ। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे कंप्लीट, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।